नवरात्रों का त्यौहार हिंदुओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी मौके पर बदरपुर के पूर्व विधायक श्री राम सिंह नेताजी कल क्षेत्रवासियों के प्यार के कारण बदरपुर विधानसभा में हो रहे जागरण और रामलीला में पहुंचे। चौधरी राम सिंह नेताजी का बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और राम सिंह नेताजी को जनता का काफी ज्यादा प्यार मिला। साथ ही साथ राम सिंह नेताजी बहुत बड़े समाज सेवी बहुत पहले से रहे हैं। इसी को देखते हुए राम सिंह नेताजी ने जागरण में रामलीला में भी अपना सहयोग राशि दी। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। अनंत गोयल सुपुत्र हेमचंद गोयल सबका स्वागत करते हैं, जो महानुभाव आज यहाँ पर अपना प्यार देने आए हैं और माँ से अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मास्टर जी का बड़ा आभारी हूँ और उनके तमाम साथियों का, जिन्होंने मुझे माँ भगवती के जागरण में बुलाया। और साथियों, मैं बहुत दिन बाद आज आपके बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रे में ये 9 दिन ऐसे हैं हिंदू धर्म में कि इनको बहुत पवित्र दिन माना गया है। कलयुग में हम जितना स्मरण भगवान का करेंगे, अपने इसका करेंगे, तो हम कलयुग से बचेंगे। कलयुग का मतलब क्या है आज तक लोग ये नहीं समझ पाए। ये हमारे मंडली वाले भाई भी हैं, ये भी माँ का गुणगान कर रहे हैं। असली ये अभी तो कलयुग बालपन में है। जो अच्छा काम करेगा उसको कोई नहीं पूछेगा। जो कोई गांव में ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको लड़ा रहा है उसको लड़ा रहा है, लोग कहेंगे भाई ये बड़ा पंचायत भी है, तो ये बड़ा लोग सारे उधर लग जाएंगे। पहले लोग देखते थे, अरे शांत हो जाओ सब लोग, खानदान क्या है। आज कोई किसी को देखता नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और खासकर मोहन बाबा नगर तो मेरा अपना घर है, परिवार है, और आपका आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहता है। आपने देखा होगा मैंने आपके बच्चों के लिए 12वीं तक का स्कूल बनाया, 5वीं तक का स्कूल बनाया, खानों में मट्टी भरी मैंने। और मोहन बाबा नगर की जो रोड है इनमें कोई चल नहीं सकता था। जो नई पीढ़ी आई है उनको मालूम नहीं है, गधे से मट्टी करवाई मैंने इसमें, तब यहाँ कर रोड ये बनी। और अब आप क्या हालात है, आज सारे दिल्ली का कूड़ा डाल रहे हैं खानों में, ये कैंसर की बीमारी पैदा हो जाएगी पूरे क्षेत्र। पानी जो इसका होगा सारा दूषित हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर तुम कूड़ा डाल रहे हो तो उससे जहर फैलेगा। हमने आपने देखा होगा हमने पीली मट्टी डाली थी। अब हम देखते हैं कि दिल्ली की गाड़ी आती है, कूड़ा ये और वो सब यहीं डाल रहे हैं। तो साथी, ये सारी चीज आपके सामने है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, अपने जिन्होंने आयोजन किया है मास्टर जी और तमाम साथियों जिनका जन्मदिन है उसको, बहुत अजय गुप्ता जी जो हमारे, इनका बहुत स्कूल है और ये बेचारे हमेशा, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो ये हमें जरूर बुलाते हैं, हेमचंद जी को, मुझे, सिंबल को, कि आइए। तो साथियों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं तो मैया रानी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब खुशहाल रहें, आप तरक्की करें, आपके घर में खुशहाली आए। जय माता। भाई मैं, क्योंकि सबके सहयोग से ही जागरण होता है,
मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपए इन जागरण मंडली को दे रहा हूँ। हेमचंद गोयल जी कहीं हैं, चले गए थे, उनके सपुत्र आए हैं, 3100 रुपए वो भी दे रहे हैं। मैं भाई हेमचंद जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिवेंद्र नागर जी वो भी 1100 रुपए दे रहे हैं, जो हमारे मोरबंद से पार्षद रहे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे तरुण कुमार जी जो पार्षद है आपके, वो भी 1100 रुपए दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अजय गुप्ता जी वो भी 3100 दे रहे हैं, मैं अजय गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार हूँ। बोल साके दरबार की हमारे बीच में भाई चौधरी राम सिंह नेताजी हमारे भाट कैंप में पहुंच चुके हैं। माता इनकी मनोकामना पूरी करे और तालियों के साथ स्वागत। जय माता दी। श्री तरविंद कुमार नगर परिषद बदरपुर क्षेत्र से, माता रानी की जय हो, नवरात्रि की जय हो। जय माता दी। जय माता दी। चरणों में अपना सर झुका। भाई शिवेंद्र जी, भाई तरवण कुमार जो हमारे पार्षद हैं, भगत जी, बुट्टू भाई जी, ज्ञानी और हमारे भतीजे और हमारे जिले के प्रधान और भाट कैंप के तमाम पंच, मेरे माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, मेरा राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी शुरुआत भाट कैंप से शुरू हुई। अब तो जो हमारे सामने बच्चे थे आज वो बड़े हो गए। हमने वो दौर देखा जब तुम्हारे पूर्वज लाखू वगैरह हुआ करते थे पंच, जिनका अपना रुतबा अलग था, और आज भी सब लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। जब छोटे बच्चों को लोग पंच नहीं पढ़ाते थे तो मैंने दबाव डाल के बदरपुर में दाखिला कराया बच्चों को। मैंने कहा बच्चों को पढ़ाओ, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ये तुम्हारे लिए आप फायदे की बात रहेगी। और यही कारण रहा कि आज जो नई पीढ़ी है थोड़ा बहुत समझती है, और देश में रहना तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसी मौके पर मैं आपको अपनी तरफ से नवरात्रि, ये हिंदू धर्म में ऐसे शुभ दिन है जिसमें किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, सारे दिन शुद्ध है माघ रानी के और भगवान राम के। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ मैया रानी से कि मैं बहुत कुछ सोचता था परंतु क्या कारण रहा, जबकि लंबू कैंप मैंने बसा दिया पर तुम पता नहीं कैसे रह गए, ये मेरी समझ में बात नहीं है। या तो मुकद्दर का खेल कहे या हमारे लोगों में डर है। मैं मेरे सिवा कोई जाति के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं जानता हूं ये दस्तक नहीं करेंगे, ये कहते हैं अगर दस्तक कर दिए तो तुम समाज से बाहर हो गए। और यही कारण रहा जो हम उस प्लॉट में से चले गए, परंतु जो आगे बैठे हुए हो, कानूनी लड़ाई चल रही है, कानूनी लड़ाई लड़िए, और समय जब आएगा ये माता रानी सब ठीक करेगी, बाबा रामदेवरा सब ठीक करेंगे, यह आप विश्वास रखें। इसी के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं, और मन में ये ना सोचे कि मैं हमारे एक तरफ आप लोग नहीं है, हमारा वार्ड दूसरी तरफ है, आपका वार्ड तुगलकाबाद की तरफ है, परंतु हमारा झुकाव आपकी तरफ रहता है, आपकी सेवा में रहता है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
और आपके दर्शन हुए। मुझे विश्वास है पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता के कई ने उनकी सहायता पिताजी से मांग ले। पहले वर्षे भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्षे मुझे 14 वर्षों का वनवास। इस समाचार को जब लक्ष्मण और मेरी अरदास मेरी सीता ने सुना तो वे भी मेरे साथ चलने को तैयार हुए। कुछ दिनों तक हम पंचवटी में पहुंचे। हमारे राम भक्त श्री राम सिंह नेताजी पूर्व विधायक हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा प्रभु राम के चरणों में दो शब्द जरूर रखेंगे। मैं सबसे पहले भगवान के चरणों में अपना सर झुकाता हूँ। मेरे साथ आए हुए भाई सुरेंद्र नागर जी जो पूर्व पार्षद रहे हैं, आप तरुण कुमार जी प्रदेश दूसरे वर्तमान में पार्षद हैं, रत्नेश भाटी जो हमारे जिले के प्रधान हैं, रामदीप सिंह प्रधान जी, डी डी धानी जी जो संयोजक है, सागर सिंह विश्व जी, हरीश जी जो संयोजक है, कुंदन सिंह विश्व जी संयोजक है, राम सिंह रावत जी चेयरमैन, धीरज देवी जी अध्यक्ष, सुरेश सरवाल महासचिव, देवेंद्र कोषाध्यक्ष और रामलीला समिति गोरबन उत्तराखंड भ्राता संघ, गोपाल सिंह रावत, राजा मित्तल, धर्मेंद्र चौहान और समस्त मेरे कलाकार जो हमारे अपने पीठ में से ही हमारे गोरबन कलोनी के बच्चे हैं जो भगवान की लीला कर रहे हैं, उनका आप अपने बुजुर्गों का भाइयों का बहनों माताओं का आपका सबका धन्यवाद। आज मुझे बहुत दिन बाद आपकी लीला में आने का मौका मिला है। कोई ना कोई परिवार से तो आता रहता था, जब कभी संदेश गया हाजिरी मेरी लगती रही, परंतु साथियों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि भगवान की लीला को देखने के बाद अगर आदमी उस रास्ते पे चलेगा तो कभी झंझट में नहीं रह सकता। हमें जो अपना जीवन है इसको सफल बनाना है और सफल का रास्ता भगवान का रास्ता है। जब व्यक्ति भगवान की तरफ जाएगा तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, ये तो आप जानते हैं। अगर कोई ज्यादा कमा दे तो रोटी खाएगा, कम कमा ले तो रोटी खाएगा, तो पैसा नहीं खाता। परंतु जो आदमी को तृष्णा है ये शांत होनी चाहिए, व्यक्ति को संतोष होना चाहिए, अगर थोड़ा है तो थोड़े में गुजारा करना चाहिए। और साथियों बिना भगवान के पत्ता हिलता नहीं है संसार में, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं राजनीतिक सेवा के लिए करता हूं। राजनीति तो जब लोग मुझे बना देते तो मैं काम करता हूं, लोग मुझे हरा देते तब भी मैं सेवा में लगा रहता हूं। मैं तो काम करना है, हमने अपने जीवन को सफल बनाना है, हमने उस रास्ते पे नहीं जाना। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा ज्यादा दिन वो गाड़ी चलने वाली नहीं है, मैं हूं या कोई और है। साथियों गोरबन के भाई जानते हैं जहां भगवान की लीला देख रहे हैं, जब कितना बड़ा नाला था रामगिर जी पता आपको, तो सोच नहीं सकता था। मैंने दिल्ली के अंदर सबसे पहला रोड यही तीसरा साफ रूट बनाया था जिसमें 90 लाख रुपए लगते हैं और मैंने नीचे का पानी का सीवर डाल दिया इसमें, तब तक दिक्कत तो हुई लोगों को।
परंतु अंदर अंदर पानी बरसात का पानी रोड पे नहीं आता, अंदर ही अंदर जाके वहां पंप लगा के उससे पानी बाहर चला जाता है। हमने तो जब दिल्ली का कूड़ा डाले थे वो खाना में बंद कर दिया। आपके बच्चों के लिए प्राइमरी का स्कूल और बारहवीं तक का स्कूल वहां पर बनाया है। और मैं तो भगवान राम से यही कहता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे जो हम लोगों का काम करते हैं। बोल सिया पति रामचंद्र की। साथियों, मैं भी सबके सहयोग से भगवान की लीला होती है। अब की महंगाई का दौर है और लीला में हर एक को मेकअप के लिए सामान चाहिए। कलाकार जो हमारे हैं इनको मेकअप का सामान चाहिए। पहले तो लीला बहुत थोड़े में हो जाती थी, अब लीला करना बड़ा कठिन काम है, बहुत बड़ा काम है। तो मैं एक प्रार्थना आपसे करूंगा कि अगली बार से ये जरूर, ये जो शमशान घाट को मित्र जगह है, अगली बार रावण का कार्यक्रम वहां बनाओ। जो खर्चा होगा सारा राम सीता आपको देगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो उससे क्या कि हमारे बच्चों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। अगर अब के मुझे मौका मिला तो जो नहर के साथ साथ जमीन पड़ी हरियाणा की, जिसको बढ़िया तरीके से पार्क बना के डेवलप करा दूंगा, ये सरकार बना दे तो अपने घर से बनवा दूंगा। साथियों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सिया पति रामचंद्र की। मैं भी सहयोग के तौर पर 21,000 रुपए कमेटी को अपनी तरफ से दे रहा हूँ। नेक कमाई में से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रण दिया। हम सभी के बीच के दरबार में सादर हम सभी के बीच इस पूजा को विशिष्ट पूजा बनाने के लिए पूर्व विधायक राम सिंह जी हम सभी के बीच में चाहूंगा एक बार पूर्वांचल वासियों के तरफ से इनके लिए आशीर्वाद वही माँ के दरबार में जोरदार तालियां हो जाए। एक बार जोरदार तालियों से माँ के दरबार में इनका स्वागत करें। और राजधानी दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से माँ के दरबार में हमारे पूर्व विधायक का आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और अब मैं श्री शंकरनाथ मिश्रा जी को आग्रह करता हूं कि वो श्री शिवपद नागर जी पूर्व पार्षद हैं, जिनको की सौल देके उनका स्वागत करें, साथ में महामाई का प्रतीक चिन्ह भी उनको दें। और मैं जो हमारे पूर्व पार्षद हैं श्रवण कुमार जी, जो हमारे बदरपुर से पार्षद हैं, मेरे भाई अली नंबरदार जी जिनके स्कूल में हम खड़े हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। संजीव झा जी पत्रकार पंजाब केसरी, फूल सिंह निगम जी, निसार हुसैन जी, संजीव झा जी पत्रकार, शंकर नाथ मिश्रा जी, मोहन मिश्रा जी, सुशील झा जी, सुरेश झा जी, शंभुनाथ झा जी बाबा जिनको हम बोलते हैं नाम से, मणिराम झा जी, डी के झा जी,
रत्नेश भाटी जो हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आसाराम शर्मा जी, प्रफुल्ल कुमार झा जी, रमन जी, राजन जी, नित्यानंद चौधरी जी, अगर कोई नाम रह गया है वो मैं अपने इन कलाकारों का भी, आप सबका, अपने बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का, मैं सबसे पहले माँ भगवती के चरणों को नमन करता हूँ। एक जयकारा लगवाऊंगा, आप जोरदार आवाज बोल, साचे दरबार की बोल, मैया रानी की। साथियों, भगवान के नाम लेने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं, और ये हम शुभ घड़ी है, ये जो 9 दिन है हिंदू धर्म में, ये बहुत पवित्र माने गए हैं। इसमें किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, जो शुभ काम करना है वो नवरात्रि में कर सकते हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मुझे आप लोगों ने बुलाया, माँ के दर्शन कराए, और मैं आज बहुत दिन बाद आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि जब जनता मालिक होती है, मौका देती है, तो हम सेवा करते हैं। आप लोग मौका नहीं देते तब भी हम सेवा करते हैं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, ना हमारी कोई इच्छा है। मेरा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, मेरा उद्देश्य लोगों की सेवा और हर समाज को साथ लेकर चलने की बात है। ये जितने छठ घाट आप देख रहे हैं, ऐसा कोई घाट नहीं जिसको राम सिंह ने ना बनाया हो। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज को कुछ भी कहे, यहाँ इतना बड़ा राग थी जो उड़ती थी, लोगों का जीना दुर्भर हो रहा था, और जब आंधी चलती थी सारी राग कॉलोनी के अंदर आती थी। हमने राग को उठाया, बढ़िया रोड बनाया, और अगर आपके माता रानी की कृपा हुई, आपका आशीर्वाद हुआ, तो इस बेल्ट को, पूरी को बहुत बढ़िया पार्क ग्रीन बेल्ट बना देंगे, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब खेलने के लिए बढ़िया जगह हो जाएगी। हमने खड्डा कॉलोनी में जगह छोड़ी थी। साथियों, हमने काम किया है, बिजली का हो, रोड नाली का काम हो, कॉलोनी का काम हो, और जो बड़ा काम है वो सेवा का काम है। राजनीतिक में जो लोग आते हैं वो कमाई करने के लिए आते हैं, और मैं राजनीतिक में सेवा करने के लिए आता हूँ, तो मेरे और उनमें बहुत फर्क है। मैं तो धार्मिक कामों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि बिना मैया के कुछ होने जाने वाला नहीं है, कोई आदमी कितना जोर लगा ले। तो माता रानी की कृपा से आप लोगों ने मुझे नवरात्रि में बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मैं आज बहुत दिन बाद पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मैं आपका फिर एक बार हृदय से, और कलाकार जो हमारे यहाँ आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और क्योंकि सबके सहयोग से ही ये धर्म का कर्म, बिना सबके सहयोग के कार्य नहीं हो पाए। रामलीला हो, माँ भगवती का जागरण हो, दुर्गा पूजा हो, ये सब में सहयोग जरूरी है, अनुष्ठान में पैसा, इतनी पूजा पाठ करनी पड़ती है, और ये पूजा पाठ इस भारत को चला रही है, ये जो पूजा पाठ है यही हमें आपको चला रही है। तो साथियों, मैं फिर अपनी तरफ से 21,000 रुपये अपने दुर्गा समिति जो है इनको दे रहा हूँ, कि सबका हमारा थोड़ा सहयोग लग जाएगा। मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय।